एवरीवन, वेलकम इन टीम दीवाना आईएएस इन गेट। मायसेल्फ कुलदीप सिंह राठौड़, गेट 2020 ऑल इंडिया रैंक 29, गेट 2019 ऑल इंडिया रैंक 478। करंटली आई एम परसिंग माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। इन लास्ट वीडियो आई एम डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड द फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर पर रोटेशन। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग द कैलकुलेशंस। सो now I am going to discuss about the calculation for brake work done. So mainly the calculation for work done is based on the frictional phenomena and other things. So let me discuss. तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं calculation for brake work done की, तो उसमें आपको engine की जो working है वो अच्छे से आनी चाहिए। वो हम मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कवर किया हुआ है, आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका सिलेंडर है एंड ये आपका पिस्टन है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट एंड यहाँ से फर्दर कनेक्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब भी हम ब्रेक वर्क डन या ब्रेक वर्क पावर की बात करेंगे कैलकुलेट करने की, तो हम एक क्या करेंगे, जो हमारा ड्रम है उसके ऊपर एफ बी फोर्स पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम एफ बी फोर्स लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं ब्रेक फोर्स। एफ बी मीन्स आपका क्या होगा, ब्रेक फोर्स। ओके, तो यहाँ पे जब आप ब्रेक फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि ब्रेक फोर्स लगाने के कारण वो पर्टिकुलर किस पेरीमीटर पे लग रहा है। तो अगर हम बात करें किसी सर्कुलर सरफेस जिसकी रेडियस आर बी, यानी जो आर बी है वो आपका रेडियस ऑफ ड्रम है, आर बी है आपका रेडियस ऑफ ड्रम, तो उसका अगर उस ड्रम का पेरीमीटर अगर हम कैलकुलेट करते हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, क्योंकि हम फ्रिक्शनल फोर्स में सरफेस को मेजर करते हैं कि सरफेस कौन सी सरफेस से वो लग रहा है, तो अगर हम बात करें तो वो आपका होगा 2πRB। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2πRB आपका क्या होगा कि जो ब्रेक ड्रम है उसका पेरीमीटर होगा। एंड मान लीजिए कि हम एफ बी फोर्स लगाते हैं और अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 टाइम वो रोटेशन करता है, यानी एन की वैल्यू कितने नंबर ऑफ रोटेशन के बाद वो रुक जाता है उसको हम चेक करेंगे। तो एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोटेशन की, इतने नंबर ऑफ रोटेशन के बाद अगर हम एफ बी फोर्स लगाएं उस पर्टिकुलर पेरीमीटर पर, तो हमारा जो है कम्प्लीटली रुक जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो वो पावर जो हमारे पास मेजर होगी वो हमारी क्या होगी, ब्रेक वर्क डन। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेक वर्क डन आपका होगा एफ बी इंटू 2πRB इंटू एन। ओके, तो यहाँ आपको इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एफ बी इंटू 2πRB इंटू एन। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देन एफ बी और जो नोटेशन है मैंने शो कर दिए, एफ बी ब्रेक फोर्स है, आर बी रेडियस ऑफ ड्रम है, एन नंबर ऑफ रोटेशन है। ओके, और जो हम 2πRB की बात करें वो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ड्रम है। ओके, देन नेक्स्ट जो है वो पावर हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जनरली क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पावर आप आसानी से समझते हैं कि पावर क्या होती है, आपकी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ, वर्क डन पर टाइम अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा पावर आता है। ओके, तो वर्क डन पर टाइम हमारा क्या आता है, पावर। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वर्क डन पर टाइम हमने शो कर दिया, टाइम को अगर हम सेकंड में लेते हैं और वर्क डन को अगर हम जूल में लेते हैं, यानी वर्क डन को हम किस में ले रहे हैं, जूल में, एंड टाइम को किस में ले रहे हैं, सेकंड में। तो टाइम को सेकंड में और वर्क डन को जूल में अगर हम लेते हैं तो हमें पावर जो मिलेगी वो किस में मिलेगी, वाट में। और अगर हम वर्क को किलो जूल में लेते हैं तो हमें मिलेगी पावर किलो वाट के अंदर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम डिफरेंट अगर बात करते हैं इंडिकेटेड पावर की, अगर हम बात करेंगे इंडिकेटेड पावर की, तो वो आपका होगा इंडिकेटेड वर्क डन डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी जो भी टाइम होगा। ऐसे ही अगर हम ब्रेक पावर की बात कर रहे हैं तो ब्रेक वर्क डन डिवाइडेड बाय सेकंड। ओके, तो ये इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर काफ़ी जगह आपको दिखने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको इसको समझाया है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। हमने सबसे पहले क्या करा, ब्रेक वर्क डन निकाला, उसमें पर्टिकुलर कितने टाइम में वो रुकता है उस सेकंड का डिवाइड कर दिया, तो हमें ब्रेक पावर मिल जाएगी। ब्रेक वर्क डन हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ओके, देन नेक्स्ट है हीट एडेड एंड थर्मल इफिशेंसी, तो कितना हीट एडिशन हुआ एंड क्या उसकी थर्मल इफिशेंसी थी, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हीट एड जो होती है वो केजी ऑफ फ्यूल, हीट एड केजी ऑफ फ्यूल अगर हम कर दें कि इतनी हीट एड हुई है पर्टिकुलरली इतने केजी में, तो वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू आप सेकेंडली ऐसे देख सकते हैं कि पर केजी ऑफ फ्यूल अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हीट एडिशन आपको मिलता है, तो वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है।
काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम देखेंगे हीट एड पर सेकंड, अगर हम बात करते हैं हीट एड पर सेकंड, तो जो केजी ऑफ फ्यूल है उसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो उसको हम एम ए पर सेकंड से डिनोट कर देते हैं। यहाँ का सेकंड कैंसिल हो जाएगा और जो केजी है वो मास ऑफ फ्यूल को डिनोट कर रहा है, केजी ऑफ फ्यूल मास ऑफ फ्यूल को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, हीट एड पर सेकंड इज इक्वल टू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू मास ऑफ फ्यूल पर सेकंड। ओके, तो यहाँ से ये आपको मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको हीट फ्लो रेट मिल रहा है, हीट फ्लो मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे हीट एड पर सेकंड यूनिट वैलेंस एम एफ पर सेकंड हीट एड पर केजी ऑफ फ्यूल, तो यहाँ पे केजी ऑफ फ्यूल और एम एफ की जो यूनिट है सेम आएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो हीट एड इक्वल टू एड, मतलब हमारा जो डायमेंशनली बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस रिलेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने ड्राइव किया। इसको समझना, हीट एड पर सेकेंड इज इक्वल टू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू एम एफ पर सेकेंड, इसको आपको समझना है। एम एफ यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल को डिनोट कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम थर्मल इफिशियंसी की बात करें तो हम डिफरेंट डिफरेंट थर्मल इफिशियंसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम कम्प्लीटली जो पूरा साइकिल है हमारा उसकी अगर इफिशियंसी की बात करें तो उसको हम एन थर्मल इफिशियंसी लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वर्क डन उस पर्टिकुलर साइकिल से हमें कितना वर्क मिल रहा है डिवाइडेड बाई हीट एडेड। ओके, हीट कितना एड किया है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे, कभी आपको पूछा जा सकता है इंडिकेटेड वर्क डन की बात करें तो इंडिकेटेड वर्क डन भी आपका सिमिलरली होने वाला है इंडिकेटेड वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एड। सिमिलरली ब्रेक वर्क डन की बात करेंगे तो ब्रेक वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एड। ओके, ब्रेक वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एड, तो ये आपका हो जाएगा एन बी डॉट टी। ओके, तो यहाँ पर आपको दोनों फॉर्मूले मिल चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड अगर आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी है लाइव मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप मुझसे और कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं और व्हाट्सअप पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो हो सकता है कि कभी आपके मैसेज के रिप्लाई नहीं मिल पाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप वापस क्वेश्चन मार्क लगा के मैसेज कर दिया करें, तो जिससे आपका मैसेज ऊपर आ जाए और जल्दी से जल्दी मैं जब भी फ्री हूँ आपको रिप्लाई कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको नोट करना है 9649945374। गुड लक गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।